खबरों में बने रहने के लिए बेल आइकॉन दबाइए और एबीपी न्यूज को सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार, मैं हूँ शिखा ठाकुर और आप देख रहे हैं गुरुजी। कहते हैं तन के साथ मन का स्वस्थ रहना भी बहुत जरूरी होता है, लेकिन कई लोग ऐसे होते हैं जो मन से खुश नहीं रह पाते। एक आध दिन तो ये चीज सबके साथ होती है, लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनके साथ ये लगातार होता है। इसलिए आज हम गुरुजी से जानेंगे ऐसी स्थिति में क्या करें, साथ ही जानेंगे परवरिश टिप्स, दिन के शुभ अशुभ समय, जन्मदिन, आज का राशिफल और एक विचार जो हम सबका दिन बना देगा। लेकिन उससे पहले गुरुजी को राम राम कहेंगे। माँ भारती को प्रणाम करता हूँ, सबके गुरु माता पिता को प्रणाम करता हूँ। बच्चों, ढेर सारा राजकीय, सभी लोगों को सुबह सुबह की राम राम। गुरुजी, ये आजकल की जेनरेशन में ये समस्या बहुत ही ज्यादा बढ़ गई है। हम तन से भले ही स्वस्थ हो जाएं, लेकिन मन हमेशा डिप्रेस्ड रहता है। और समस्या ये है, ये डिप्रेशन जो है ये रिलेशन, इंटरपर्सनल रिलेशन यानी आपसी संबंधों पर भी बहुत बुरा प्रभाव डाल रहा है, और दूसरी चीज आपकी समझ को कमजोर कर रहा है, तीसरा जो और बहुत ही ज्यादा इसका तीखा प्रभाव होता है वो होता है आपकी कार्य क्षमता पर। आप नौकरी या व्यापार ढंग से कर नहीं पाते, हमेशा उलझन सी रहती है, दुखी से रहते हैं, समझ में नहीं आती चीजें, तनाव बहुत बढ़ जाता है। क्यों होता है ये सुनिए। किसी भी व्यक्ति का जब चंद्रमा बहुत कमजोर हो जाता है या किसी भी व्यक्ति का चंद्रमा जब सूर्य से या शनि से या केतु से दबने लगता है, तब ऐसा व्यक्ति खुद को पहचानना भूल जाता है। इसको समझने की कोशिश कीजिए मैंने क्या कहा, यानी उसके अंदर कितनी शक्ति है, उसके अंदर कितनी ताकत है, कितनी अच्छी सोच है, कितना टैलेंट है उसके अंदर, वो ये सब भूलता चला जाता है। इसका एक और दुष्प्रभाव होता है और वो ये होता है कि ऐसा व्यक्ति झगड़ालू होता जाता है, छोटी छोटी बात पर गुस्सा उसका आता बढ़ता चला जाता है, वो झगड़ने लगता है, जिसकी वजह से उसके संबंध खराब होते चले जाते हैं, टूटने लगते हैं, लोग उसको नापसंद करने लगते हैं। वो कहीं जाकर बैठता है, शुरू में तो सब ठीक है, बाद में उसकी अपनी आदतों की वजह से ही लोग उसको वहां नापसंद करने लगते हैं। ऐसी स्थिति में वह पिछड़ता है, उसके पास टैलेंट है लेकिन वह पिछड़ रहा है, उसकी एकाग्रता बन ही नहीं पा रही है। तो क्या विद्यार्थी, क्या गृहिणी, क्या नौकरी पेशा लोग, क्या व्यापारी, इस सब को बुरी तरह प्रभावित करता है। इसीलिए आज जो मैं उपाय आपको बताऊंगा, आपको उन उपायों को करके ये जो मकड़ जाल है इससे बाहर निकलना है, क्योंकि अगर मन सध गया तो आपका भाग्य सध गया। यानी तन के साथ मन को कैसे स्वस्थ रखेंगे, ये बात हम जानेंगे गुरुजी से और ये बहुत महत्वपूर्ण है। और गुरुजी, ये जाने बिना हम आपको जाने नहीं देंगे। लेकिन गुरुजी, अभी पहले चार राशियों के आज का हाल जाने दो। हाँ, मेष, वृष, मिथुन और कर्क राशि वाले लोग सुने अपना हाल। मेष राशि, समय आपके लिए थोड़ा कम अनुकूल है, इसलिए बहुत सोच समझकर व्यवहार कीजिएगा, कहीं किसी परेशानी में नहीं फंस जाए। इसलिए लड़ना, झगड़ना, गुस्सा करना इस दिन बिल्कुल मना है। एक छोटी सी सावधानी जरूर बरतिएगा, इस दिन आप केमिकल से, आग से थोड़ा डिस्टेंस रखिएगा। एक छोटा सा उपाय कर लें, ओम रुद्राय नमः का जप करें, उसके बाद अपने काम पर जुटें, प्रभु सब ठीक करेंगे। वृषभ राशि, यह दिन आपके लिए अच्छा है, आपको मेहनत जरूर करनी पड़ेगी, थोड़ा धन का भी नुकसान हो सकता है, इसलिए कोशिश ये करें कि यदि धन खर्च हो ही रहा हो तो उसे किसी कंस्ट्रक्टिव काम में, क्रिएटिव काम में लगा दीजिएगा। एक छोटी सी सावधानी, इस दिन वाहन आपको नहीं चलाना है और बहुत सावधानी पूर्वक अपने काम करने हैं। उपाय क्या करेंगे, माँ दुर्गा की आराधना कीजिए, अपने काम पर जुट जाइए, प्रभु सब ठीक करेंगे। मिथुन राशि, समय आपके लिए अच्छा है, इस समय का सदुपयोग करने से आपको लाभ होगा,
लेकिन एक छोटी सी समस्या दिखाई दे रही है और इसके लिए आपको सावधान रहना होगा। इस दिन आपका झगड़ा झंझट अपने रिश्तेदारों के साथ हो सकता है, इसलिए थोड़ा संभल के रहें। और कोई व्यक्ति आपको यदि कोई कार्य करने के लिए इनवाइट करे या आपसे धन मांगे तो बहुत सावधानी से निर्णय लें। उपाय क्या करेंगे, इस दिन पके हुए भोजन का दान कीजिए, अपने काम पर जुटिए। कर्क राशि, स्वास्थ्य की दृष्टि से यह दिन बहुत अच्छा नहीं कहा जा सकता, संभल के चलना होगा। लेकिन फिर भी आपके काम रुक नहीं रहे हैं, काम आपके बन रहे हैं, ईश्वर की कृपा है आपके ऊपर, बस एक सावधानी रख लीजिएगा, इस दिन ईश्वर का नाम जरूर लीजिएगा। ओम नमः शिवाय का जप करें, अपने इष्ट को लाल पुष्प भेंट करें, उसके बाद अपने काम पर जुटें, तो सब ठीक करेंगे। तो गुरुजी से बाकी बचे राशियों के आज का हाल भी जानेंगे, लेकिन गुरुजी चूंकि हम बात मन की कर रहे हैं, यानी मन को हमें स्वस्थ रखना चाहिए, ऐसे में जो परवरिश टिप्स है उसका योगदान मुझे लगता है काफी होता है। जी हाँ, और अगर माता पिता बचपन से अपने बच्चे को एक मानसिक ताकत, मानसिक शक्ति प्रदान करते रहते हैं तो वो बच्चे कम ही टूटते हैं, उनके मन बड़े मजबूत रहते हैं। मन के हारे हार, मन के जीते जीत, है ना, सबने सुना होगा। कॉन्सेंट्रेशन पर एक परवरिश टिप ध्यान से सुनिए। कॉन्सेंट्रेशन की एक ऐसी समस्या है जो दिन ब दिन बढ़ रही है, मोबाइल फोन्स की वजह से, खराब भोजन की वजह से, अनुशासनहीन दिनचर्या की वजह से, टेलीविजन, लैपटॉप आदि की वजह से। इसलिए बच्चों को कॉन्सेंट्रेट करने के लिए उनको ओम पर ध्यान लगाना सिखाइए। पहले कुछ सेकेंड, फिर एक मिनट, फिर धीरे धीरे बढ़ाते चले जाइए इसे 15-20 मिनट तक। बच्चा जिंदगी में अच्छा परफॉर्मेंस देने लग जाएगा। यानी कॉन्सेंट्रेशन की बात की गुरुजी ने, और कॉन्सेंट्रेशन होना बहुत ज़रूरी है अगर आप सफलता देखना चाहते हैं अपनी ज़िंदगी में। और गुरुजी अब आपसे हम एक ख़ास तोहफा लेने वाले हैं, जन्मदिन का तोहफा। जिनका भी आज जन्मदिन है उन्हें जन्मदिन की ढेर सारी शुभकामनाएं। दीर्घायुरारोग्यमस्तु, सुयशः भवतु, विजयः भवतु, जन्मदिन शुभेच्छा। आपके आगे आने वाले 12 महीने बहुत अच्छे हैं, जम के मेहनत कीजिए, किए गए मेहनत के, संघर्ष के बहुत अच्छे परिणाम आपको मिलेंगे। संघर्ष आपको करना पड़ेगा, बहुत सारे काम आपके बनते बनते रुकेंगे, लेकिन अगर आप जुटे रहे तो काम बनेंगे जरूर। नया कुछ सीखने पढ़ने के लिए ये वक्त बहुत अच्छा है, और इस समय में जो आप सीखेंगे आने वाले 2-3 सालों में उसके बहुत अच्छे लाभ आपको प्राप्त होंगे। इसलिए एक दिन भी रुकना नहीं है, थकना नहीं है, संघर्ष कीजिए, मेहनत कीजिए, और बहुत मेहनत करके आप अच्छे परिणाम अवश्य प्राप्त कीजिए। आपके लिए जो ध्यान रखने वाला समय होगा अगस्त, यानी बहुत ज़्यादा ध्यान से चलना, कोई बड़े निर्णय मत लीजिएगा अगस्त, उसके बाद आपका नवंबर, फिर दिसंबर, फिर फरवरी, अप्रैल, जून, ये वो वक्त है जब आपको बहुत सोच समझ के अपने कार्य करने होंगे, बाकी समय अच्छा है। उपाय के तौर पर पीला धागा दाहिनी कलाई में बांधने की एक आदर्शी डाल दीजिएगा एक वर्ष के लिए, और गाय गुरु मंदिर की जितनी हो सके सेवा कीजिएगा, वो आपको जरूर सफलता देंगे। ऑल द बेस्ट। तो गुरुजी ने जो उपाय बताए वो आप जरूर करें, क्योंकि कॉन्सेंट्रेशन की कमी आपकी जिंदगी में असफल होने की वजह जरूर बन सकती है। आज जो हमारे चर्चा का विषय है वो है मन का स्वस्थ रहना। अगर मन टूट जाए तो अपनी जिंदगी में सब कुछ काला सा लगने लगता है, और गुरुजी बता रहे हैं आपको आपको आगे क्या करना चाहिए और इसके क्या उपाय हैं। गुरुजी क्या कुछ करें? सुनिए, ताजे फलों का रस या ताजे फलों का सेवन। दूसरा उपाय, सोमवार को सफेद रंग के धागे में खिरनी के पेड़ की जरा सी जड़ निकालकर उसे गले में पहन लीजिए। तीसरा उपाय, अपनी अनामिका में या अपनी मध्यमा में चांदी का छल्ला जरूर धारण कीजिए, बीच में से खुला ना हो, बंद हो। एक और उपाय कि आप जो शुक्ल पक्ष का समय होता है, पूरे शुक्ल पक्ष के समय ओम का जप चंद्रमा की रोशनी में बैठ के करेंगे 15-20 मिनट रोजाना, कृष्ण पक्ष में आप ये नहीं करेंगे, ठीक। इसके बाद कुछ और बहुत महत्वपूर्ण उपाय हैं जो आपको ज़रूर करने चाहिए, क्योंकि
यदि आपका मन बार बार टूटता है या मन आपका कमजोर है या पति के भावुक हैं, तो ये इस बात की निशानी है कि चंद्रमा आपको जिंदगी में प्रोग्रेस करने भी नहीं देगा। भाग्य पक्ष तो ये बहुत हद तक कमजोर कर देता है। तो गुरुजी से और भी उपाय जानेंगे कि कैसे आप अपने मन को मजबूत रख सकते हैं, लेकिन अभी गुरुजी से जानेंगे शुभ और अशुभ समय। पहले शुभ समय लिखाता हूँ, फिर शुभ समय लिखाऊंगा आपको। दो मुहूर्त रहेगा 5:51 से 7:37 तक। गुलित काल रहेगा सुबह 5:51 से 7:30 तक। यमगण काल रहेगा दोपहर 2:05 से 3:44 तक। और राहु काल रहेगा सुबह 9:09 से 10:48 तक। शुभ समय नोट कीजिए, अभिजीत मुहूर्त होगा 12:00 से 12:53 तक। और अमृत काल रहेगा दोपहर में 1:54 से 3:34 तक। तो गुरुजी से आपने जाना आज का शुभ और अशुभ समय। आगे विषय पर भी चर्चा करेंगे, लेकिन गुरुजी अभी बीच की चार राशियों के आज का हाल जान लेते हैं। सिंह, कन्या, तुला, वृश्चिक राशि का हाल। सिंह राशि धन की दृष्टि से सर, आंख और मुंह की दृष्टि से दिन थोड़ा सा कमजोर है, और साथ ही साथ आपका कोई गुप्त शत्रु आपको नुकसान पहुंचाना चाहता है, सतर्क रहें। इस दिन एक विशेष सावधानी बरतिएगा, इस दिन इन्फेक्शन से बचिएगा, ठंडी चीज़ों से बचिएगा और उपाय कर लीजिएगा। सूर्य को जल आपको देना है और किसी अनाज का दान जरूर कर देना है। कन्या राशि, यदि किसी खास व्यक्ति से मिलने जा रहे हैं तो आज कुछ इंतजार कर लीजिएगा, धैर्य रख लीजिएगा, उसके बाद ही वो भेंट संभव हो पाएगी। एक छोटी सी सावधानी, इस दिन क्रोध से आपको बचना होगा और पेट का विशेष ख्याल रखिएगा। उपाय क्या करेंगे, माँ दुर्गा की उपासना आराधना कीजिए, मन को शांत रखिए, प्रफुल्लित रखिए, फिर अपने काम पर जुटिए। तुला राशि, ये समय आपके लिए प्रतिष्ठा को लेकर बहुत अच्छा तो नहीं कहा जा सकता, आपको बहुत ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी तब कहीं जाकर आपकी प्रतिष्ठा बनेगी, और इस दिन बहुत तोल मोल कर बोलिएगा। एक छोटी सी सावधानी, घर के बुजुर्गों का ख्याल रखें। उपाय क्या करना है इस दिन को बेहतर बनाने के लिए, आटे का दान कीजिए, अपने काम पर जुटिए, प्रभु सब ठीक करेंगे। वृश्चिक राशि, यह दिन शरीर से आपको कमजोर कर सकता है, इसलिए अपने खान पान का, परहेज का, यदि आपको कोई रोग है तो उसका बहुत ख्याल रखिएगा। एक छोटी सी सावधानी और बरतें इस दिन, इस दिन माता जी के मित्रों के साथ संबंध अच्छे रखने की कोशिश कीजिएगा और वाहन ध्यान से चलाइएगा। एक छोटा सा उपाय इस दिन अवश्य कर लें, हनुमान जी की पूजा कीजिए, उनका ध्यान कीजिए, फिर काम पे जुटिए, वो सब ठीक करेंगे। तो ये आपने जाना आपकी राशियों के आज का हाल, बाकी बची राशियों का हाल भी जानेंगे गुरुजी से। लेकिन गुरुजी, अभी आपने कहा कि टूटे मन से कोई बड़ा नहीं बनता, लेकिन हमें तो बड़ा बनना है। उपाय कीजिए, देखिए बहुत सारे लोगों को मन के स्विंग्स की बड़ी समस्या होती है, जरा जरा देर में उनका मूड बदलता है। ऐसे लोगों को अपने हॉर्मोन्स की जांच जरूर करवा लेनी चाहिए, डॉक्टर साहब से मिलके। दूसरी चीज़ है, ऐसे लोगों को एक छोटा सा काम और करना चाहिए, नंगे पांव घास से, घास पर टहलने से, थोड़ी देर वहाँ प्रभु का नाम लेने से, ध्यान करने से मन बिल्कुल शांत चित्त होता जाता है। कोशिश करिए अच्छे लोगों के साथ आप बैठें, जहाँ पर अच्छी सकारात्मक या भक्ति की बातें हुआ करें, इससे आपका मन शांत भी होगा, इससे आपके मन को शक्ति भी मिलेगी, आपकी एकाग्रता भी बढ़ेगी। एक और छोटा सा काम आपको करना होगा, अपने मन को मजबूत करने के लिए आप ओम चंद्रमसे नमः या ओम श्राम श्रीम श्रोम सह चंद्रमसे नमः, इस मंत्र का जप अवश्य कर लिया करेंगे चंद्रमा की ओर मुंह करके, ठीक है। अगर ये आपने उपाय किए तो आपको लाभ होगा। जिन लोगों का मन जल्दी जल्दी बदलता है, इन्हें लाल, तेज हरा, तेज पीला, जो फ्लोरेसेंट ग्रीन और येलो कलर्स होते हैं, इससे दूर रहना चाहिए। ग्रे यानी धुएं के रंग के, धुएं के रंग से दूर रहना चाहिए, मन बहुत शांत रहेगा। पिंक, वाइट, ये आपके लिए बहुत सूदिंग कलर्स होते हैं। और एक चीज़ और बताऊं, आप लोग अपने हस्ताक्षर ठीक कर लीजिएगा। यदि ऐसे लोग
अपने हस्ताक्षर बहुत छोटे करते हैं तो उसे कृपा करके थोड़ा सा बड़ा कर दीजिएगा, और जब आप हस्ताक्षर करें तो अपना जो भी लेटर्स हों वो बिल्कुल स्पष्ट बनाइएगा या आर्टिस्टिक बनाइएगा। इससे आप देखिएगा आपके व्यक्तित्व में अद्भुत परिवर्तन होने लगेगा। तो गुरु जी ने जो भी चीजें बताई है, मैं उम्मीद करती हूँ कि आपने बहुत ही सावधानी से सुना होगा, और जो उपाय बताए हैं वो भी आप जरूर कीजिएगा, क्योंकि आपका मन स्वस्थ रहेगा तभी तन भी स्वस्थ रहेगा और आप खुश भी रहेंगे। गुरु जी अब आखिर की चार राशियों के आज का हाल चाल लेते हैं, यानी धनु मकर कुंभ और मीन राशि का हाल। धनु राशि, क्रोध से आपको बचना होगा, जल्दबाजी में गलत निर्णय आप ले सकते हैं, किसी पर शक मत कीजिएगा, एक छोटी सी सावधानी जरूर बरतनी होगी। इस दिन आपको धन का इस्तेमाल बहुत सोच समझ कर करना होगा, नहीं तो नुकसान हो सकता है। एक छोटा सा उपाय कर लीजिएगा, दिन को बेहतर बनाने के लिए आप सरसों के तेल का दान जरूर करिएगा। मकर राशि, यह दिन आपके लिए अच्छा है, इस दिन आप रुके हुए कार्य को आगे बढ़ाएं, नए कार्य बनने की आशा बनेगी, कोई बहुत विशेष व्यक्ति से आपको मदद भी मिल सकती है, लेकिन दो सावधानी बरतनी बहुत ज़रूरी है। पहली चीज़ अपने शरीर का ध्यान रखें, दूसरा वाहन बहुत ध्यान से चलाएं। उपाय क्या करेंगे, ओम नमः शिवाय का जप कीजिए, अपने काम पर जुट जाइए, प्रभु जी सब ठीक करेंगे। कुंभ राशि, ये समय आपके लिए थोड़ा सा प्रतिकूल है, इसलिए कोई भी बड़े निर्णय मत लीजिएगा अकेले, कहीं कोई बहुत कीमती सामान या चीज या धन किसी को मत दीजिएगा। सावधानी के तौर पर इस दिन घर के लोगों का बहुत ख्याल रखिएगा, और गृहस्थी में आपकी वजह से कोई झगड़ा झंझट ना हो इस बात का विशेष रूप से आपको ख्याल रखना होगा। लेकिन जो व्यापारी वर्ग के लोग हैं या जो नौकरी पेशा लोग हैं, कार्य आपके चलते रहेंगे, आप ज्यादा तनाव ले नहीं, उपाय कर लें। इस दिन आप लोगों को खूब जल पिलाइए, सौंफ और मिश्री खिलाइए, प्रभु जी प्रसन्न होंगे, आपके रास्ते खुलेंगे। मीन राशि, जल्दबाजी में कोई फैसला ना लें, जल्दबाजी में लिए गए फैसले से इस दिन नुकसान होने हो सकता है, घमंड या बदले की भावना से कोई काम करने से आप ही को बड़ा नुकसान होगा, वाद विवाद से बचें, एक छोटी सी सावधानी, इस दिन वाहन का ख्याल रखिएगा और बच्चों का ख्याल रखिएगा घर के। उपाय क्या करना है, दिन को बेहतर बनाने के लिए आपने हल्दी और चावल का दान करना है, तो ये सब ठीक करें। तो गुरुजी से आपने जाना आपकी राशियों के आज का हाल, और गुरुजी अब एक व्यथा ले लेते हैं। ये दिल्ली से अनुराग नाम के व्यक्ति हैं, जिन्होंने अपनी उम्र बताई है 32 साल, और इन्होंने हैंड प्रिंट भेजा है। गुरुजी, इनकी जिंदगी में सब कुछ काफी खुशहाल है, लेकिन जो तकलीफ है, जो परेशानी है, वो ये है कि इनका विवाह अब तक नहीं हुआ है। अब वो क्या करें, वो आपसे जानना चाहते हैं। जी जी, देखिए आपके हाथ पर दो तीन समस्याएं दिखाई दे रही हैं। सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि इसमें चार से ज्यादा प्रणय रेखाएं बनी हुई हैं, और दूसरी चीज ये है शुक्र का पर्वत जो ये वाला हिस्सा होता है ये बहुत ज्यादा दबा हुआ है। इन दो कारणों के चलते विवाह के योग बहुत कमजोर है, कई बार विवाह तय होगा या कई बार ऐसी स्थिति होगी, जान पहचान होगी, अफेयर होगा, लेकिन ऐसे में विवाह होना मुश्किल हो जाता है। जीवन अकेले गुजारने के लिए आपको थोड़ा मेंटली तैयार होना है, लेकिन फिर भी उपाय ज़रूर करेंगे। उपाय के तौर पर क्या करना है, सोमवार और शुक्रवार आप पनीर या दूध, इनमें से कुछ चीज़ का दान ज़रूर कर दिया कीजिए 8 वर्ष से छोटी कन्या को, एक बार। दूसरी चीज़, रोज़ाना कुत्तों की सेवा ज़रूर कर दिया कीजिए। और तीसरी चीज़ ये है, दाहिनी कलाई में एक चांदी का कड़ा ज़रूर डाल लीजिए सोमवार के दिन। ये उपाय करिए, क्योंकि आपका फरवरी 2020 से मुझे लगता है समय आपका सही शुरू होगा, और ये समय है 1.5 साल का, तो उसमें आपका विवाह हो जाएगा। ज़्यादा टेंशन मत लीजिए, विवाह का समय अभी शुरू होना है।
तो अनुराग जी, आपको बिल्कुल भी परेशान होने की जरूरत नहीं है, समस्याएं हैं तो हल भी है और गुरु जी ने जो उपाय बताए वो आप जरूर कीजिएगा। और गुरु जी, अब हम जानना चाहेंगे वो विचार जो हम सबका दिन बना दे। सुनिए, एक छोटा सा लेकिन बड़ा महत्वपूर्ण विचार। आइंस्टीन कहते हैं, धर्म के बिना विज्ञान अपाहिज है और विज्ञान के बिना धर्म अंधा है। इस बात को बहुत गहराई से समझिएगा। भक्ति और तर्क का, प्रार्थना और कर्म का, भाग्य और मेहनत का जिस व्यक्ति के जीवन में जितना सुंदर संतुलन होता है, वो व्यक्ति उतनी ही तरक्की करता है, विपरीत परिस्थितियों के बाद भी। वाकई गुरुजी, ये बहुत ही अच्छा विचार आपने दिया। इसलिए जिंदगी में संतुलन बनाना बहुत ही जरूरी होता है। और आज के विषय से जो गुरुजी ने हमें बताया वो ये कि चिंता चिता समान है, इसलिए चिंता बिल्कुल ना करें। गुरुजी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। तो मस्त रहिए, खूब व्यस्त रहिए और लगातार आगे बढ़ते रहिए, इस कामना के साथ। राम राम, नमस्कार, भारत माता की जय, और बोलिए हर 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 महादेव। आप इस वक्त देख रहे थे गुरु जी आज के लिए बस इतना ही, फिर होगी आपसे मुलाकात। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए एबीपी न्यूज़।